अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रे बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवान का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल का है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है, तो कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दें, आपको जैसा मालूम भी होगा कि लोकसभा चुनाव भी जब हुआ था तो अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, इस पर लगातार चर्चा भी यहाँ पर रही। और चुनाव जब खत्म हो गए तो उसके बाद जेडीयू ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए थे। तो अग्निवीर योजना हमेशा विवादों के केंद्र में रहा है और अब इसको लेकर एक बार फिर से समीक्षा लगातार यहाँ पर की जाएगी और अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और अग्निवीर जवान का जो कार्यकाल है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो भर्ती होती है अग्निवीर जवानों की, उसकी जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। और अग्निवीर योजना में जवानों की भर्ती भी बढ़ेगी, 25% रिटेंशन की स्कीम भी यहाँ पर हो सकती है, इसको लेकर भी बदलाव है। तो ये बड़ी खबर हम अग्निवीर योजना को लेकर आप तक बता रहे हैं, जिसमें बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं आने वाले वक्त में। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या जानकारी, ये बदलाव होंगे तो किस तरीके के होंगे, इनसे क्या फायदा होगा? देखिए, जिस वक्त कोई भी योजना बनाई जाती है उस वक्त वो ड्राइंग बोर्ड पर होती है, लेकिन जब उसको ज़मीन पर उतारा जाता है तो कई सारे बदलाव होते हैं। चूंकि सरकार की तरफ से, खास तौर पे कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई थी कि समय समय पर इस योजना को रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के करने के साथ साथ किसी भी तरीके का अगर बदलाव की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। चूंकि अब 1.5 साल हो चुके हैं पहला बैच आए हुए, अब ऐसे में जो DMA है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने जो तीनों जो सेना है उनसे मांगी है डिटेल्स, और उसके हिसाब से जो है बताया जा रहा है कि डिटेल्स मिल भी गई है रिव्यू के लिए और अभी रिव्यू किया जा रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि पहले से ही तय था कि इस तरीके के योजना पर रिव्यू किया जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि रिव्यू के बाद, चूंकि अभी तक और ज़्यादा जानकारी इसमें पुख्ता तरीके से नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हो सकता है जो 4 साल का कार्यकाल अग्निवीर का है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। कितना होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी साफ नहीं है। साथ ही रिटेंशन, जो 25% रिटेंशन की बात थी, हो सकता है कि 25% रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। और ये भी हो सकता है, कई बार ये कहा गया है कि जो भी ऐसे अग्निवीर है जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे जिनकी या तो मौत हो जाती है या घायल हो जाते हैं, उनको किस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, उनके परिवार वालों को छुट्टी से रिलेटेड चीज़ें, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि बदलाव हो सकता है। आने वाले दिनों में ये बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन ये कब तक होंगे ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन ये तो तय है कि समीक्षा जरूर हो रही है 1.5 साल में अब तक, आखिर इस योजना के किस तरीके के परिणाम सामने आए हैं उसको असेस जरूर किया जा रहा है और उसी हिसाब से कोई नीति बनाई जाएगी। जी संदीप, तो नीतियां यहां पर लगातार बनेंगी, लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें अब बदलाव यहां पर लाया जाएगा। अब आप ये भी समझिए कि आखिर अग्निवीर योजना है क्या। अग्निवीर योजना दरअसल जो यंग जवान है, जो जवान है, उनको भर्ती का एक मौका देती है और ऐसे में इसकी जो समय सीमा है अब तक केवल 4 साल है, लेकिन 4 साल की जो समय सीमा है इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो जवानों की संख्या जो भर्ती की होती है वो भी एक निश्चित है, उस संख्या को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि रोजगार के जो मौके हैं वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे। इससे जवानों को और ज्यादा मौका मिलेगा और ज्यादा फायदा मिलेगा और सेना में खुद को वो भर्ती कर सकते हैं। और इसके अलावा रिटेंशन की जो संख्या है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, 25% रिटेंशन की स्कीम में यहाँ पर बदलाव हो सकता है। और जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर अब कुछ बदलाव की बातें लगातार की जा रही हैं अग्निवीर योजना को लेकर, आप लोगों ने भी जमकर ये मुद्दा उठाया था, क्या कहेंगे इस पर? जी, हमारी पार्टी के शुरुआत से ये सोच और मांग रही है, जो अग्निवीर योजना लाई गई थी उससे सेना में भर्ती होने वाले जो भी आकांक्षी अभ्यर्थी थे उसमें थोड़ी सी हताशा थी। तो हमारी पार्टी के करीब करीब सभी नेताओं ने इस बात को रखा है कि इसको, इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और इसमें सुधार की जितनी गुंजाइश हो उसको लाया जाए। अगर सरकार इस ओर कोई कदम उठा रही है या उठाने वाली है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी शुरू से ये मांग रही है कि अग्निवीर नीति की समीक्षा हो। जगदीप जी, हताशा की बात आपने यहाँ पर की, किस तरीके की हताशा, अब तक आपकी पार्टी, आप किस तरीके की हताशा की बात यहाँ पर कर रहे हैं? जिस समय ये योजना आई थी उस समय की जो घटनाक्रम है वो उस समय युवाओं में एक हताशा दिखा रही है। कई तरह की घटनाएं इस तरह हो गई बिहार और उत्तर प्रदेश में कि आगजनी तक की घटनाएं हो गई, वो नहीं होनी चाहिए थी, गलत था। लेकिन इस नीति में जो वो 4 साल की नौकरी है
और कुछ लोगों को परमानेंसी की बात है, तो उसमें हमने कहा था उस समय भी कि ये नीति बहुत लोकप्रिय नहीं है। और जब अभी सरकार बनी एनडीए की, तो हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने भी इस बात को रखा कि इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा की बात तो बीजेपी भी बार बार करती आई है, सरकार भी बार बार करती आई है कि समीक्षा तो करेंगे ही करेंगे, और वही फॉर्मूले के तहत अब एक बार समीक्षा यहाँ पर हो भी रही है। समीक्षा का स्वागत है, सरकार एनडीए सरकार अगर लोकप्रिय नीतियों को और अधिक लोकप्रिय बनाती है, लोगों को उससे फायदा पहुंचे, वैसी नीतियों को लाती है, और अगर पूर्व में कोई ऐसी नीति बनी थी जो लोकप्रिय बहुत नहीं रही, तो उसकी समीक्षा होने की स्थिति में अगर उसमें सुधार होता है तो वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला होगा उन लोगों को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किस तरीके का बदलाव यहाँ पर नीति में होना चाहिए, क्योंकि बार बार मुखर रूप से ये सरकार का मामला है, सरकार इस पे हर दृष्टिकोण से विचार करेगी, और जो पार्टी है वो सरकार के सामने अपना पक्ष जरूर रखेगी। हमारे पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार में शामिल हैं, तो जो भी सामने नीति आएगी वो उसमें अपनी राय रखेंगे। पक्ष क्या है आपका, वही पक्ष हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने मुखर रूप से जब इंडिया ब्लॉक के साथ भी आप थे तो भी मुखर रूप से आपने ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद अब भी कुछ दिन पहले भी हमने सुना कि आप अग्निवीर को लेकर अब योजना यहाँ पर बनाई जा रही है उसको लेकर फिर से आपने बोला, तो क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्योंकि 4 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सरकार में जो लोग शामिल हैं ये उनका विषय है। हमने एक आग्रह जरूर किया था, हमारी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी कि